सभी दोस्तों को कन्नड़गढ़ घाटी की इन खूबसूरत वादियों से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज सुबह के 6 बज रहे हैं और 6 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं, तो आगे बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो आज हमारा टूर है हल्द्वानी बरेली का, तो मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। और देख सकते हैं पहाड़ों का खूबसूरत मौसम। अभी भाई हम पहुँच चुके हैं लोधिया साइंस स्वीट में, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, गाड़ी सामने लगी है, रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये भाई साइंस स्वीट अल्मोड़ा का, और रोज़ जब भी हम हल्द्वानी जाते हैं यहीं पे रुकते हैं, और ताज़ी ताज़ी मिठाई आपको यहाँ पर मिलेगी। और तो देख सकते हैं ये बाल मिठाई, स्वादिष्ट बाल मिठाई और चॉकलेट सब मिलेगा यहाँ पे, बर्फी वर्फी और सोन पापड़ी सिंगोड़ी सब मिलेगा भाई। क्या पकड़े हैं तुम्हारा, तो कार्ड होगा? हाँ कार्ड तो था, बिल सब होगा, ज्यादा था ना बिल। वो क्या हुआ फिर, कार्ड में पास ही मिलता था उसे ऑन सर्विस में, तो मैंने रखा तो था, दो तीन महीने का बिल भी रखा था, कुछ बिल गुम हो गए। फिर अर्जुन से बनाया, परमिट बनाया माता में अंबाला। ऐसा करो एक बोतल दे दो मेरे को आगे सीट में रखता हूँ मैं, बाकी सब अंडर ग्राउंड करो, ऊपर छत में सब डाल दो, ऐसी नौबत आएगी तो ये पकड़ा देंगे एक बोतल। भाई हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाज़ा में, यहाँ से यूपी बॉर्डर शुरू हो जाता है फुलबट्टा, फुलबट्टा से थोड़ा आगे है टोल प्लाज़ा, तो देख सकते हैं भाई। भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं बरेली, ये आप सामने देख सकते हैं एयरफोर्स स्टेशन बरेली। भाई अभी हम पहुंच चुके हैं बरेली, और देख रहे हैं आप बरेली का जो रात्रि का नज़ारा है तो कितना खूबसूरत लग रहा है, और सभी गाड़ियों की टिमटिमाती हुई लाइट और मस्त नज़ारा बरेली का, बहुत खूबसूरत दृश्य। और देख सकते हैं आप कैलाश पर्वत, ये जो है नैनीताल रोड है, बरेली नैनीताल ये वो वाली रोड है, तो मिलते हैं आपको आगे। ये है हमारे मनोज भाई, और हमारा प्लान रिसेंटली बन गया था, तो आज सुबह हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत सामान लाना था, अभी होटल में खाना खा रहे हम। तो भाई फाइनली हम आगे बढ़ने लग गए हैं खाना खा के, ये देख सकते हैं बस से रोड का नज़ारा कितना खूबसूरत, और हाईवे कितनी खूबसूरत हाईवे है,
और मेरे साथ में मनोज भाई, और देख सकते हैं खूबसूरत व्यू। तो भाई हम पहुंच चुके हैं यूपी का खूबसूरत शहर नोएडा, तो आज हम यहीं स्टे करेंगे, तो आगे मिलते हैं आपको। भाई आप देख सकते हैं मेट्रो में कितनी भीड़ यहाँ पे है, मतलब जैसे हमारे मतलब गोड में बकरे रहते हैं ना, ऐसे मेट्रो में लोग हैं यहाँ पे। और तो ये आगे को जा रहे हैं हम मार्केट की ओर, चांदनी चौक। थोड़ा स्पीकर डीजे का सामान मुझे लेना है, तो हमारे साथ में दिनेश भाई, मनोज, हम जा रहे हैं साथ में, तो आगे मिलते हैं आपको ब्लॉग में, तो बने रहें अंत तक मेरे ब्लॉग में। भाई अभी आप देख रहे हैं रात्रि का खूबसूरत व्यू, दिल्ली का खूबसूरत नज़ारा, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम बहुत दिनों के बाद दिल्ली घूमने के लिए आए थे, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मज़ा आ रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी रात में हम, इसलिए गर्मी कम हो रही है। दिन में तो मतलब चल भी नहीं सकते आप रोड में। तो मिलते हैं आपको और बने रहें खूबसूरत ब्लॉग में। भाई अभी हम मतलब रूम में पहुंच के खाना वाना बना के, चिकन चावल आज के खाने में, और दिनेश भाई जो है बांट रहे हैं हमको, और सामने मनीष बैठा है और मनोज भाई हैं, साथ में इंजॉय कर रहे हैं आज यही दिल्ली में भाई लोग के साथ। बहुत अच्छा लगता है भाई जब अपने लोग मिलते हैं। सुबह होते ही हम निकल गए हैं दिल्ली से बरेली की ओर, और सामने आपको मैं दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं गंगा नदी दिख रही है आपको नीचे, सामने गंगा नदी। और रात को ही हम निकल गए हैं बरेली से बागेश्वर अपने गांव की ओर, और मनोज भाई अभी वीडियो बना रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा है। तो मिलते हैं आपको आगे अपने गांव की तरफ, गांव की हसीन वादियों में, और नए ब्लॉग में, नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए